राज्यसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी के विधायकों के टूटने का असर अखिलेश पर कितना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। इसमें से 8 सीटें भाजपा और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। एक सीट पर मिली हार के पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनकी राज्यसभा की 23 सीट सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी। अखिलेश यादव को शायद इस बात का इल्म था कि उनके कुछ विधायक साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस हार को अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की विचारधारा की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अहम लोकसभा सीटों पर 2024 के चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है। दी खबरदार न्यूज ने अमेठी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, बदायूं, जालौन, अयोध्या और प्रयागराज से इन विधायकों के प्रभाव और सपा से दूरी बढ़ने के कारणों को जानने और समझने की कोशिश की। रायबरेली में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाए गए मनोज पांडे। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे 2012 से लगातार विधायक हैं। वो अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया था। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उन्होंने फेसबुक पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया था। 13 फरवरी को ही वो जया बच्चन के राज्यसभा नामांकन में अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। लेकिन रायबरेली के जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि मनोज पांडे की समाजवादी पार्टी से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार शिव मनोहर पांडे कहते हैं कि 2022 में रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, जो वहां पर सपा की मजबूती का सबूत है। मनोज पांडे की ऊंचाहार सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि तब इसे डलमऊ विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। अब वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना राजनीतिक दल बनाने वाले हैं। सपा से लगातार दूरी बनाने की एक वजह हो सकती है। शिव मनोहर पांडे कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ऊंचाहार में काफी प्रभाव है। उन पर आरोप है कि सपा में रहते हुए वो मनोज पांडे को ऊंचाहार में कमजोर करने की कोशिश करते थे। यह बात मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को भी बताई, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर पार्टी का महासचिव बना दिया। वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों से भी समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं के समर्थकों में नाराजगी थी। शिव मनोहर पांडे कहते हैं कि सपा कांग्रेस में गठबंधन के बाद रायबरेली सीट कांग्रेस को मिली है। ऐसे में मनोज पांडे इंडिया गठबंधन के लिए वहां पर राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का भी मद्दा रखते हैं। उनकी बदौलत भाजपा गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को भी जीतने की उम्मीद रख सकती है। अमेठी में भी सपा के विधायक हुए बागी। सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा की वोटिंग के बाद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेंद्र पाठक के साथ खड़े होकर हाथों में विजय का निशान बनाते नजर आए। राकेश प्रताप सिंह के अमेठी में प्रभाव के सवाल पर वहां की वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह कहते हैं, वो 2022 में 3री बार विधायक बने। भाजपा की आंधी में भी वो अपना चुनाव जीते और उनका अपने क्षेत्र में भी प्रभाव है। बदायूं की बिसौली सीट से सपा विधायक आशुतोष मौर्य 3 बार विधायक हैं। उनके दादा 5 बार और पिता 3 बार विधायक रह चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है।
तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।